तो हेलो बडीज, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस साल की वन ऑफ द वर्थ वॉचिंग मूवी 13 लाइव्स का। और इस वाली मूवी में हमें देखने को मिले हैं स्टार्टिंग एक्टर में कोलिन फेरर, यस एके पेंगुइन, जिसको आप लोगों ने बैटमैन में भी देखा होगा। और इस वाली मूवी को डायरेक्ट किया है रॉन होवर्ड ने। अब यहाँ पर आप लोग भी कहते होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही इसको वर्थ वॉचिंग बोल दिया रिव्यू से पहले ही, तो आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या इसमें ऐसी चीज़ें थी कि ये वाली मूवी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी पसंद आई है कि मैं इसको साल की वन ऑफ द वर्थ वॉचिंग मूवी में रख रहा हूँ? तो इस वीडियो में मैं 13 लाइव्स का रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये वाली मूवी कैसी थी, इसमें मुझे क्या क्या अच्छी चीज़ें लगी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ये जो मूवी है 13 लाइव्स, ये वाली मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस है। यस, रियल लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस पे ये वाली मूवी बनाई गई है। और ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था बैक 2018 में। और यहाँ पर जो इसकी स्पेसिफिक डेट है वो है June 23, 2018, और July 10 तक ये वाला इंसिडेंट हुआ था, यानी कि 17 दिनों तक। अब यहाँ पर क्या हुआ था, थाईलैंड में एक बहुत ही फेमस केव है जिस केव का यहाँ पर नाम है थेमलोंग केव। यहाँ पर थाईलैंड में एक 12 बच्चों का जो कि फुटबॉल टीम था और उनका एक कोच विजिट के लिए जाते हैं इस वाली केव में। और वहाँ पर जब वो केव में तो विजिट के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हीं के आसपास वहाँ पर वो वाली केव लोकेटेड होती है, मगर वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली थंडरस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा आती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ मुसलसल बारिश होती है, जिसकी वजह से वो वाली जो केव है उसके अंदर सारा पानी भर जाता है, क्योंकि वो तो पत्थर है ना, पानी सारा अंदर भर जाता है। और यस, ये इंसिडेंट हुआ था रियल लाइफ में थाईलैंड में, कि यहाँ पर 17 दिन तक वो 12 बच्चे और उनका एक कोच, टोटल 13 अफराद जो है उस केव के अंदर रहे थे। मतलब आई मीन ओ माई गॉड, 13 डेज तक एक केव के अंदर, मतलब एक ऐसे इंसिडेंट में फंस जाना काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ ये किसी के साथ भी अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाती है। उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर थाईलैंड के जो रेस्क्यू डाइवर्स थे उन्होंने कोशिश की, उनसे ये वाली चीज़ कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर चले गए थे। फिर हम देखते हैं वो असल में ब्रिटिश डाइवर्स को बुलाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उनसे फाइनली वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं और वो वहाँ पर सारे 13 के 13 अफराद को ज़िंदा निकाल देते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा मिशन था, इसमें 2 थाईलैंड के जो डाइवर्स हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी इस वाले मिशन के दौरान। तो यस, ये यहाँ पर मिशन हुआ था। अगर आप लोग भी मीडिया वाला ज़्यादा, सोशल मीडिया या मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब मूवी देखी थी स्टार्टिंग हुई थी, तो तब मैंने रिसर्च किया, तब मुझे पता लगा कि ये वाली मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस वाली मूवी पर। इस वाली मूवी पर हमें एग्जैक्ट वही स्टोरी दिखाई गई है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, जो एक्चुअल में हुआ था। आप लोग अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी है ना, मतलब डॉक्यूमेंट्री मैं कहूँगा, जो फोटेज देखी है असल में जो इंसिडेंट हुआ था, वो वाली काफ़ी ज़्यादा मूवी से मैच करती है। और हम इस मूवी में भी यही 13 लाइव्स में यही दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर जो फुटबॉल टीम जो होती है 12, उनका कोच वो वहाँ पर केव में जाते हैं और उस केव के अंदर वो जब फंस जाते हैं तो उसके बाद कैसे यहाँ पर जो है थाईलैंड के ड्राइवर्स आते हैं रेस्क्यू करने, उनसे नहीं इतने कामयाब होते, उसके बाद वो ब्रिटिशर से रेस्क्यू ड्राइवर्स को मंगवाते हैं, उनको वहाँ पे कॉल करते हैं तो उनसे वो वाला मिशन कामयाब हो जाता है। हमें इस वाली मूवी में यही पूरी चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पर आ जाते हैं आप लोग भी जिस तरह इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि ये वाली मूवी मुझे इतनी अच्छी क्यों लगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इस वाली मूवी को बनाने में इन लोगों ने जो एलिमेंट्स दिखाए हैं इसको रियलिस्टिक बनाने में, जो इन्होंने स्मार्ट डिटेल्स ऐड किए, वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। मतलब अगर आप लोगों ने ये 2 घंटे से ऊपर की मूवी देखी है, हमें इस वाली मूवी में इतने इन लोगों ने कोई छोटी से छोटी डिटेल्स भी बताई है ना, कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक ये हो रहा है, हम लोग लाइव उस वाली चीज़ को देख रहे हैं, मतलब हम टीवी पे बैठ रहे, मीडिया कवरेज देख रहे हैं। इन लोगों ने हमें इतनी छोटी सी छोटी बारीक चीज़ें भी इस वाली मूवी में बताई हैं, जो इन लोगों ने एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पर मेरा स्मॉल थिंग से मुराद देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा एक एग्जीक्यूशन पूरा प्लान हुआ था कि कैसे वो वहाँ पर उन 13 अफराद को केव से बाहर निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर जो जब रेस्क्यू ड्राइवर्स पूरी अपने एग्जीक्यूशन प्लान बना रहे होते हैं, वो बिहाइंड द सीन जब सारा काम कर रहे होते हैं, हमें इन लोगों ने वो वाली डिटेल भी दिखाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, परफेक्टली वे में हमें पूरा
फॉर्मरी वे में इन लोगों ने दिखाया है कि एक्चुअल में पहले इन लोगों ने प्लान बनाए, फिर वो एग्जीक्यूट करने गए, उसमें पहली दफ़ा अटैम्प्ट में वो फेल हो गए, उसके बाद दोबारा गए, उसमें उनको बच्चे मिले, उसके बाद जब तीसरी दफ़ा गए तो वो कैसे उनको वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। तो इन लोगों ने जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई है ना कि कैसे हमें इनका जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो भी दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया, इसके बारे में भी जो बता रहे हैं, ये मुझे चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सॉलिड लगी। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगा कि ये वाली मूवी जो हमें है ना रियलिस्टिक, जितना डायरेक्टर को मैं बिल्कुल तारीफ करूँगा, जितने भी राइटर्स हैं डायरेक्टर जो थे, जितना रियलिस्टिक हो सके उतना इन लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की है। इसमें हमें जो मूवी में 13 लेवल्स में जो स्टोरी दिखाई है, 100% तो नहीं कहूँगा कि रियल लाइफ में जो हुआ था वही दिखाई है, 95% तो वही स्टोरी है कि कैसे ये उस बच्चों का केव से बाहर ये लोग कैसे निकालते हैं। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताते चलूँ, इस वाली मूवी की शूटिंग उसी केव में हुई है, यानी कि हम लोग केव में हुई है जहाँ पर ये वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके आसपास और उस केव के अंदर इन लोगों ने इस मूवी की शूटिंग की है, जो कि मेरे पहले पॉइंट के साथ मैच करती है कि जितना रियलिस्टिक हो सके उतना बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर स्मॉल डिटेल्स जो मैं कब से कहता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पर हमें स्मॉल डिटेल्स में इन लोगों ने जो चैम्बर का बताया है कि कैसे यहाँ पर चैम्बर्स हैं, वो चैम्बर 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, 4 में जाते हैं, मतलब जितने हमें पूरी उन लोगों ने पिक्टोग्राफिक ग्राफिक वे में दिखाया है कि कैसे वहाँ पर चैम्बर्स बने हुए हैं, कैसे वो वहाँ पर जाते हैं, मतलब पूरी, मतलब ओवरऑल अगर मैं समरअप करूँ ना इन स्मॉल थिंग्स को कि एक्चुअल में जो जो उस इंसिडेंट में हुआ होगा ना, जो छोटी छोटी डिटेल्स भी हुई होंगी कि कैसे यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को खत लिखते हैं, लेटर लिख के देते हैं ताकि डाइवर्स केव के अंदर जाके उनको लेटर्स पहुँचा सकें, इन लोगों ने उस स्मॉल डिटेल्स को भी वहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये स्मॉल डिटेल्स इस वाली मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है। और यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो भी इस मूवी का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मूवी की, एक्टिंग सब एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है, जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए थी वही वाली चीज़ उन लोगों ने वहाँ पर दिखाई है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो मूवीज़ होती है ना जो रियल लाइफ में बेस होती हैं, इनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ऑडियंस को दिखाना कुछ डिफरेंट तरह से, क्योंकि स्टोरी तो हम सबको पता है, मगर यहाँ पर इनका सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि स्टोरी को डिलीवर उस वे में डिलीवर करना। यानी कि एग्जांपल के तौर पर टाइटैनिक मूवी का मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो तो मूवी थी, तो उस वाली मूवी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी हुई है क्योंकि टाइटैनिक में उन लोगों ने उस चीज़ को डिलीवर करके दिखाया है। और ये जो ड्रिवर की मैं बात बता रहा हूँ जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पर मूवीज़ बेस होती हैं, इनके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ यही होती है। तो यस, यहाँ पर चैलेंजेस के मुकाबले में ये वाली मूवी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। कि जब आप लोग पूरी मूवी देख लेंगे ना, आप लोग थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे कि आप लोगों को यहाँ पर पता लगेगा कि कैसे यहाँ पर उन्होंने 13 लोगों को कैसे वहाँ से बचा के जिंदा वहाँ से बचाया, हमें यहाँ पर असल में देखने को मिलेगा। मतलब आप लोग जब मूवी देख रहे होंगे ना, आप लोगों का ज़ेहन बार बार उस असल रियल लाइफ इंसिडेंट पे जा रहा होगा कि उस असल रियल लाइफ इंसिडेंट में जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था तो कैसे वहाँ पर सारे जो ड्राइवर्स थे उन्होंने ये वाली चीज़ की थी, उन्होंने कितनी स्ट्रगल से बच्चों को बचाया था। ओवरऑल इस मूवी के बारे में बोलूँ तो वंडरफुल, एक्सीलेंट मूवी, मेरा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, वर्थ वाचिंग, तो ओबियसली वर्थ वाचिंग है। मतलब आप लोग किसी भी जॉनरा के फ़ैन हैं, ये वाली मूवी आपके देखने वाली है, आप इस वाली मूवी को ज़रूर देखें। हमें इन लोगों ने जो पूरी ओवरऑल मूवी में जितनी जितनी चीज़ें बताई हैं, जितनी जितनी डिटेल्स बताई हैं, वो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती हैं। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है।